हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबा सर। देखिए दोस्तों, अपना चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक चल रहा था। चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक में अपन 7 भाग कर चुके थे, ठीक है। ये 8वां वीडियो है आपके सामने चक्रवृद्धि ब्याज का, और 7 भाग के अंदर अपन 53 क्वेश्चन कर चुके थे, 54वां क्वेश्चन, और लगभग अपन 10 टाइप कर चुके थे, 10 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन, उसमें काफी सारे अपने प्रैक्टिस भी की थी, ठीक है दोस्तों। अब आपके लिए जो 54वां क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन, अपन बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि 4% की दर से उधार ली, उसने उसी धनराशि को 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दिया। जैसे क्या करा दोस्तों, कोई व्यक्ति था ए, मान लिया ए ने धनराशि उधार ली, ए से धनराशि उधार ली बी ने, कितने परसेंट पे, 4% पे, ठीक है दोस्तों। और बी ने दे दिया किसको, सी को, कितने पे, 6% पे। लेकिन क्या आया कि इसका जो ब्याज था वो तो वार्षिक संयोजित हो रहा था, लेकिन ये वाला ब्याज कैसा संयोजित होगा दोस्तों, अर्धवार्षिक संयोजित होगा। कैसा संयोजित होगा, अर्धवार्षिक। तो इस कंडीशन में पहली बात तो उसकी दर भी ज्यादा है, दूसरी बात ये हुआ कि अगर अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो दर कितनी हो जाएगी, आधी आधी 3% हो जाएगी, ठीक है। तो इस पूरे व्यापार में इसको क्या हुआ, कोई ना कोई फायदा होगा। तो यही अपना क्वेश्चन है कि 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दिया, जबकि इस बार ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो पूरे व्यापार के दौरान उसे 418 रुपए का लाभ हुआ है। तो कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ऐसा जब भी क्वेश्चन हो आपके सामने कि किसी ने किसी और से उधार लिया, किसी और को उधार दे दिया लाभ कमाने के उद्देश्य से, उस क्वेश्चन में अपने क्या करना, देखो पहले वाली जो दर थी वो अपनी कितनी है दोस्तों, 4%। जो दोबारा वाली दर थी वो अपनी कितनी है दोस्तों, 3%। और 3% क्यों, मैं आपको बता चुका हूं, जब अगर ब्याज आपका अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ब्याज आपका अर्धवार्षिक संयोजित होता है, दर क्या हो जाती है, आधी, समय क्या हो जाता है, दुगुना। यहां जब एक वर्ष था उसकी जगह से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, क्यों, 6 महीने से लगेगा ना। अब इसकी अपने को इफेक्टिव दर, इफेक्टिव दर का अपन देख चुके हैं पहले कल वाले वीडियो में, इफेक्टिव दर कैसे निकाल दो, 3 + 3 + 3 × 3 / 100। तो 3 × 3 + 3 = 6, और ये आएगा तो अपना 6.09। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो जैसे बी ने सी को दिया था उसकी इफेक्टिव दर कितनी आई दोस्तों अपनी, ये वाली। दोनों दर में जो अंतर होगा वही किसके बराबर होगा, लाभ के बराबर। जो अंतर प्रतिशत में वही किसके बराबर होगा, लाभ के बराबर। तो दोस्तों मैं कह दूंगा आपको कि 2.09% किसके बराबर है, 418 रुपए के बराबर। तो 1% किसके बराबर होगा, 2.09 के बराबर। इसका मतलब कि जो 100% है वो किसके बराबर होगा, 418 2.09 × 100। पॉइंट कैंसिल, यहां 2 जीरो लग जाएंगे, ये से 2 बार कैंसिल आउट होगा, 2 × 10,000 करोगे तो दोस्तों आपका उत्तर आ जाएगा 20,000 रुपए। उत्तर क्या जाएगा आपका, 20,000 रुपए। और यही अपना मूलधन, आप जो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। क्रॉस चेक कैसे कर सकते हो आप, कि पहले इसका 4% की दर अप्लाई करोगे और फिर इसकी 6% की दर अप्लाई करोगे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के लिए अर्धवार्षिक संयोजन के साथ, यानी 3-3% की दर अप्लाई करोगे 2 बार, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों वो कितना मिलेगा, दोनों में जो अंतर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 418 रुपए, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना था कि प्रभावी रेट अपनी कहां पर यूज में आएगी, ठीक है दोस्तों। आपको देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का जो टॉपिक है अपने काफी इजी टॉपिक है, आप इसको अगर ट्रिक से करते हो तो क्वेश्चन भी बहुत जल्दी होएंगे, ना कोई ज्यादा कैलकुलेशन होती है। दूसरी बात, सबसे जो अपने फेवर की बात ये होती है कि इसमें अगर आपको जो भी अगर एग्जाम होते हैं उसमें जो डेटा आता है वो ऐसे सेट किया हुआ रहता है कि अगर आप उसमें ट्रिक लगाते हो तो इजीली हो जाता है, अगर आप उसमें सूत्र से जाओगे तो उसमें बहुत ही लंबा चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप है अपनी टाइप 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है अपने दोस्तों, देखिए, एक व्यक्ति 3,903 रुपए की धनराशि को अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस प्रकार जमा करवाना चाहता है कि जब वह 18 वर्ष की राशि, 3,903 रुपए, और कितने वर्ष के होने चाहिए, 18 वर्ष के हो तो उन्हें बराबर धनराशि मिले। उसके बेटों की वर्तमान आयु 13 वर्ष है और एक की गया दोस्तों 15 वर्ष, 13 वर्ष है और दूसरे की गया अपने 15 वर्ष। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो बताइए उसने छोटे बेटे के खाते में कितनी धनराशि जमा करवाई।
ठीक है। देखो क्वेश्चन जो है वो अपने अलग अलग इसको लैंग्वेज चेंज करके पूछ सकता है, इसकी लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज जो बन सकती है दोस्तों इसकी, वो ये बन सकती है कि एक व्यक्ति के पास 3,903 रुपए हैं, उसने दो अलग अलग जो व्यापार है उनमें क्या किया है, निवेश किए इस राशि को, टोटली राशि यही है पड़ी, ठीक है। एक में जो किए उसने मान लिया कि एक में किए उसने 5 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट किया और दूसरे में उसने 3 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट किया। यदि ब्याज की दर है इसकी 4%, तो बताइए उसने जो जो राशि 3 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट की थी या जो राशि 5 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट की थी वो कितनी है। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए, सबसे पहले आपको देखो सीधा ट्रिक बेस्ड है इसका, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि अगर तरीके से आपको करना हो ये क्वेश्चन, जैसे कि पूरा मेथड से तो वो कितना लंबा जाएगा, ट्रिक आप इसको सीखकर सीधा करते हो तो कितना इजी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लिखो दर, दर कितनी है अपनी 4%, ठीक है। दर लिखने के बाद दर को आप लिखोगे बटा की फॉर्म में, बटा की फॉर्म में कितना, जो मैंने आपको बताया 4/100 करोगे 1/25 हो जाएगा। अगर इसका दर का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि ये 25 रुपए होते, अगर क्या होता है ये 25 रुपए होते तो एक साल बाद कितने मिलते, 26 रुपए, एक साल बाद कितने मिलते दोस्तों, 26 रुपए, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो राशि है और जो कुल राशि है यानी कि जो मूलधन राशि उसका अनुपात कितना हुआ दोस्तों, 25/26। ये देख लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि जो दोनों की जो उम्र है उसका अंतर देखना है, एक की उम्र कितनी थी 13 वर्ष, दूसरी की उम्र कितनी थी 15 वर्ष, और जो अनुपात ये होगा अगर मान लो कि जो ये होगा छोटा और इधर कौन सा होगा दोस्तों बड़ा, ठीक है। दोनों की जो उम्र है उसमें अंतर देखो 2 वर्ष, और जितनी इनकी उम्र में अंतर हो उतनी इन दोनों पर क्या लगा दो, घात लगा दो। अब जब घात लगा दो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अपना 625 और ये कितना हो जाएगा अपना 676 हो जाएगा। अब क्या करोगे जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके जो ये दोनों की जोड़ आएगी वो आएगी आपकी 600 से 1200 आएगी 1301। ये जो 1301 आती है ना ये आती है इसकी कुल राशि, लेकिन कुल राशि अपने क्वेश्चन में कितनी दी है इसने, इसने कुल राशि कितनी है 3903 रुपए, यानी कितने गुणा पे, 3 गुणा पे। इसका मतलब कि ये जो राशि होगी ये भी कितने गुणा पे होगी, 3 गुणा पे, इसको 3 से जब गुणा करोगे तो आपका आएगा ये 1875, और जब इसको 3 से गुणा करोगे दोस्तों तो ये आपका आएगा 6×3=18 हासिल गया, 1×7=21 और 1×22 हासिल का 2 और 6×3=18=20 2028 रुपए, और आप इसको जोड़ोगे तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 3903 रुपए। तो छोटे बेटे के खाते में कितनी राशि जमा करानी पड़ेगी अपने को 1875 रुपए। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप कर सकते हो आराम से, 1875 रुपए पे आप दर लगाओ कौन सी 4%, कितने साल के लिए दोस्तों, 5 साल के लिए। क्यों, क्योंकि जो छोटा बेटा वो 13 वर्ष का, उसको 18 वर्ष का होने में कितना टाइम लगेगा, 5 वर्ष लगेगा, ठीक है। अब दूसरा देखो उसको करने का तरीका, दूसरा जो तरीका है उसका वो आप इसको कर सकते हो ऑप्शन से, इसे कर सकते हो आप ऑप्शन से। ऐसा क्वेश्चन है ऑप्शन से कैसे करोगे, अपने को जो आंसर जो पूछा है राशि वो 4 ऑप्शन दिए होंगे कि छोटे बेटे के खाते में कितनी धनराशि या बड़े बेटे के खाते में कितनी धनराशि, तो देख लो छोटे की बात कर रहा है कि बड़े की बात कर रहा है। अगर छोटे की बात कर रहा है तो छोटे बेटे को 18 साल होने में कितने दिन लगेंगे, 5 वर्ष लगेंगे। तो एक काम करो इसमें से ऑप्शन उठाओ और उसमें 5 वर्ष की दर अप्लाई करो चक्रवृद्धि ब्याज की, अगर वो दर अप्लाई करने से आपका अगर ये कितना आ रहा है, ये दर अप्लाई करोगे 5 वर्ष के लिए किस पे, छोटे बेटे वाले, उस तो ये छोटे वाले राशि है उसमें से घटाओगे, और वो दर अप्लाई करोगे किसके लिए, बड़े बेटे के लिए 3 वर्ष के लिए। जब दोनों को जोड़ोगे, तो आपको कितना, जिस ऑप्शन के लिए 3903 रुपए है वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ये भी अपना क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, ये भी अपना क्या है दोस्तों, टाइम कंज्यूमिंग। तो ये वाला भी अपना अवॉइड करेंगे। दूसरा जो मेथड है इसका एक बार आप इसको नोट कीजिए, मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूं दोस्तों कैसे क्वेश्चन में अपने को करना क्या है कि सबसे पहले अपने को दर को बटा की फॉर्म में लिखो। जो छोटा है वो नीचे वाला रहेगा, जो बड़ा है वो नीचे वाला, और ऊपर वाली जो हर और अंश है उसको जोड़कर रहेगा। फिर दोनों में उतनी घात लगा देंगे जितना दोनों की उम्र में अंतर है, जितना दोनों की उम्र में क्या है अंतर है, 13 साल में 15 साल बाद 2 घात लगा दें। अब जो घात करने पर जो इसकी जो इतने घात लगाने पर जो राशि आएगी वो कुल राशि को जब योग करोगे तो वो अपना क्या आएगा, मूलधन आएगा, वो अपना क्या आएगा, मूलधन। लेकिन क्वेश्चन में अपना मूलधन कितना दिया दोस्तों, 3903। इसकी गहराई में नहीं जाते क्योंकि अगर आप जाओगे तो उतना ज्यादा कंफ्यूज होगा। फिर भी अगर देखो मैं आपको दूसरा मेथड अगर इसका, जैसे कि अगर आपको इसको लिख करके और आप मेथड से करते इसको क्वेश्चन को, तो देखिए दोस्तों कि मेथड से क्वेश्चन कैसे हो जाता, कि आप अगर मेथड से इसको क्वेश्चन को करते तो आप देखिए एक बार
मेथड इसका अपने ये हो जाता कि मेथड ये होता इसका कि जैसे मान लिया कि पहले जैसे छोटा था, छोटे के लिए मैं राशि कितनी मानता x, दोस्तों बड़े के लिए राशि कितनी हो जाएगी 3903 माइनस x। अब वही काम है कि छोटे के लिए x के लिए दर अप्लाई करो कितनी 4% कितने साल के लिए 5 साल के लिए, बड़े के लिए दर अप्लाई करो कितनी 4% कितने साल के लिए 3 साल के लिए, और दोनों को जोड़ोगे जोड़ो कितना होना चाहिए 3903। ठीक है, तो दिक्कत वापस वही है कि आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसको आपको सबसे बेस्ट मेथड बताया दोस्तों, तो एक बार आप इसको देखिए फिर अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 कि एक व्यक्ति 8410 रुपए की धनराशि को अपने दो बेटों के बैंक खातों में इस प्रकार जमा करवाना चाहता है कि जब 18 वर्ष के हो तो उन्हें बराबर धनराशि मिले, बेटू की वर्तमान आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी देर की 5%। मैंने कहा था आपको सबसे पहले दर को पकड़ोगे, दर को लिखोगे 5%, 5% को जब आप बटा के फॉर्म लिखोगे कितना आएगा दोस्तों 1/20। फिर मैंने कहा था कि इधर लिखोगे आप छोटा फिर इधर लिखोगे बड़ा, दोनों को अनुपात में लिखोगे, अगर छोटा 20 है तो बड़े की कितनी हो जाएगा अमाउंट 21। फिर दोनों की जो उम्र है उसमें क्या लगोगे अंतर, 12 और 14 का अंतर कितना है 2, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 400, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 441। फिर मैंने कहा था जब दोनों को जोड़ोगे आप, जब दोनों को जोड़ोगे आप 841, तो ये अपना क्या आएगा कुल जो सभी विकास राशि थी वो आएगी, लेकिन अपने पास राशि कितनी देरी क्वेश्चन में 8410 कितने गुणा पर है 10 गुणा पर बैठे है, इसका मतलब ये भी कितने गुणा पर हो जाएगा 10 गुणा पर, यानी कि ये तो उत्तर कितना आएगा 4000, और जब इसको भी गुणा 10 करोगे तो उत्तर कितना आएगा 4410 रुपए, यानी कि जो 8410 रुपए थे इसमें से 4410 रुपए तो बड़े के खाते में और 4000 रुपए किसी खाते में छोटे खाते में, बड़े खाते में ज्यादा जमा करवाना पड़ेगा क्यों, क्योंकि बड़े के लिए जो उम्र होगी भाई 14 वर्ष से 18 वर्ष पहुंचने के 4 साल है, लेकिन छोटे के पास कितने 6 साल, इसलिए छोटे के जो राशि जमा होगी वो कम होगी और बड़े की राशि क्या होगी ज्यादा जमा होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये टाइप हो गई, इस पे आपको जो भी कोई क्वेश्चन अगर मिले तो ये हालांकि इस पे जो बेस्ट है वो अभी तक जो अपने पटवारी वगैरह में इसमें बहुत ही कम ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, SSC वगैरह पूछा गया, लेकिन क्या पता अगर ऐसा क्वेश्चन डाल दे तो आप बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन देगा और आप बिल्कुल इजीली कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक बार दो बार आप ट्रिक को आराम से ध्यान से करिए, तब तक आपको चीज अपने आप ही लर्न हो जाएगी, और लर्न हो जाएगी फिर आप आराम से ट्रिक अप्लाई करके इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ने से पहले मैं आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन लेके आया हूं, क्वेश्चन है अपना देखिए ध्यान से देखिए, किस वार्षिक ब्याज की दर से 2304 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 2500 रुपए हो जाएंगे। क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि 2304 रुपए कितने रुपए हो जाएंगे 2500 रुपए, और अपना क्या पूछा है दोस्तों दर पूछा है, अपना क्या पूछा है दर पूछा है। अपने जो ऑप्शन होते हैं तो अपने को चार ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, अगर अपन ऑप्शन में से दर अप्लाई करोगे 2304 रुपए, एक वाले अप्लाई करोगे, बी वाले अप्लाई करोगे, सी वाले अप्लाई करोगे, हो सकता है अपना आंसर डी हो, तो डी तक अप्लाई करोगे तो तीन तो ऐसे फालतू में अपना टाइम वेस्ट हुआ भी नहीं हो। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको काफी ट्रिक लगाने का सबसे बढ़िया तरीका वही है कि सबसे पहले आप जो चीज ट्रिक को स्टार्टिंग कैसे पता चलेगी आपको, भाई बहुत सारी चीजें होती है इसमें टाइप क्वेश्चन के अलग अलग है तो पता कैसे चलेगी, तो सबसे पहले देखो क्या क्या दिया हुआ, देखो अपने को दर नहीं दी हुई, दर पूछिए इसका दर से स्टार्ट नहीं होगा, मूलधन दिया हुआ है और क्या दिया हुआ अपने को कुलधन दिया हुआ, तो मैं लिखूंगा यहां लिखूंगा मैं मूलधन और यहां लिखूंगा मैं कुल राशि या कुल धन। ठीक है, ये देखते ही आपको समझ में आएगा इसका मतलब कि यहां पर क्या दिया हुआ था मेरे को प्रिंसिपल अमाउंट और ये टोटल अमाउंट। अब तक दोस्तों ट्रिक स्ट्राइक कर चुके होगे माइंड में कि यहां पर अपने को क्या निकला है, यहां पर अपने को निकला है मूलधन, यहां लगाना है रेशियो और यहां लिखना है अपने को 2500। अब इसमें यह रूट में आना चाहिए, दो वर्ष समय दिया है कि नहीं दिया अपने को, समय दिया है अपने को 2 वर्ष, तो इसकी क्या अपने को करना पड़ेगा स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, सीधा तो अपने को हो नहीं रहा, लेकिन मैंने कहा था आपको जब तक कट रहे हो तो पहले आप क्या करोगे इसको सबसे सिंपल अनुपात जो आपका सरल रेशियो है उसमें आपको लाना है, सरल रेशियो में लाने के लिए देखो क्या करेंगे आप ध्यान से देखिए, जैसे मैं आपको इसको अगर कैंसिल आउट करता हूं तो इसको अगर 2 से कैंसिल आउट किया तो ये हो जाएगा अपना 1250। ठीक है दोस्तों, इसको 2 से कैंसिल आउट किया तो ये हो जाएगा अपना 1 13 से हो जाएगा 6 5 और 1 और 13 से हो जाएगा 6 और 10 5 नहीं ये 3 से होगा 2। ठीक है, ये अपने 3 से होएगा, इसको 2 से कैंसिल आउट कर रहा हूं तो अपने 1 और फिर इसमें जाएगा 1 और फिर अपने ये 1 से 7 तो 10 यानी
पांच और ये दो, यानी कि 1152 रहा है। फिर से अगर कट हो रहा है, फिर से काट कैंसिल कर दो, फिर से कट हो रहा है, तो ये अपना हो जाएगा 625 रुपए। ठीक है दोस्तों, और ये कैंसिल हो रहा है अपना, तो इसको आप दो से जब कैंसिल करोगे तो ये आएगा 5 बार 15, ये होगा 7 बार 12 और 576। अब आगे नहीं हो रहा कैंसिल, नहीं हो रहा, ठीक है छोड़ दो इसको। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कहा था आपको क्या लगेगा इस पर, रूट लगा दोगे, क्योंकि 2 साल के लिए बात कर रहा था, 3 साल के लिए बात कर रहा था, क्या करते हैं अपन इस पे क्यूब रूट लगाते हैं, ठीक है, तो रूट लगा लिया अपन, रूट लगा लिया अपन, बताया 576 किसका होता है दोस्तों, 24 का, और ये किसका होता है 26 का। फिर मैंने आपको बताया इन दोनों में क्या देखना है अंतर, एक का अंतर है एक, मैंने कहा था फिर आगे लोगे छोटे वाला था, 1/24 × 100%, यही अपनी क्या है दर है, कैंसिल आउट हो रहा है, ये 12 50, ये 25 6 25, सही 25/6%, ये इसको अगर आप और आगे सॉल्व करोगे 6 24 और 1 सही 4 सही 1/6% या आंसर। देखिए दोस्तों, ट्रिक में आपको इतनी चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ट्रिक किस से स्टार्टिंग है। जैसे मैं आपको फिर सिंपल छोटा सा रिवाइज कराता हूं कि मूलधन जब अगर अपने को दिया हो कहीं पे तो स्टार्टिंग कहां से करोगे, मूलधन से, मूलधन और दर देती है तो मूलधन से स्टार्टिंग करोगे, ट्री डायग्राम बनाना है सीधा सीधा, क्या बनाना है ट्री डायग्राम बनाना है। अगर दर दी हुई हो दर से स्टार्टिंग करोगे, ठीक है, दर से स्टार्टिंग करोगे, दर से दर दी हुई हो अपने को और मूलधन अपने को नहीं दिया हुआ तो दर से स्टार्टिंग करोगे, मूलधन मानोगे, मूलधन कैसे मानोगे, कितने साल के लिए बात कर रहा है, उतनी जो दर है उसकी जो अपने रेशियो दर की जो हर है उसमें क्या लगा देंगे, उतनी घात लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन एक क्वेश्चन रिवीजन का और करते हैं कि जैसे मैंने आपको ये तो बता दिया कि अगर एक ही दर दी हुई हो और 2-3 साल के लिए बात कर रहा हूं तो आपको मूलधन कैसे मिलेगी, अगर मान लो आपको दर अलग अलग दी हुई हो और फिर आपको क्या कर देंगे कि फिर आपको वो मानना हो कि मूलधन, तो मूलधन कैसे मानोगे, तो वो एक क्वेश्चन अपन इस पे करते हैं और फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 58 क्वेश्चन रिवीजन क्वेश्चन है। किसी राशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 12,476 रुपए प्राप्त होता है, यदि प्रथम वर्ष की ब्याज दर 5%, दूसरे वर्ष की ब्याज दर 4%, तीसरे वर्ष की ब्याज दर 3% हो तो वह राशि याद करो। देखो दोस्तों, अपने ऐसा क्वेश्चन तो क्या, जैसे मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया 12,476 रुपए, मैं कहता कि इसकी ब्याज दर है 5% तीनवीं वर्ष के लिए, तो आप क्या करते बटा के फॉर्म में लिखते और जो नीचे वाली जो उसकी हर होती उसकी उतनी घात लगा दे जितने वर्ष की बात कर रहा है। जैसे कि यहां 3 वर्ष के लिए बात कर रहा है तो घात इतनी लगा दोगे आप उसके लिए 3 वर्ष लगा दोगे, लेकिन यहां पर क्या दिक्कत हो गई कि आप अलग अलग वर्ष के लिए ब्याज दर क्या है अलग अलग, तो आप मूलधन क्या मानोगे, तो आप मूलधन क्या मानोगे। ऐसे क्वेश्चन करने का मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा, पहले अपन जो अपना बेसिक है उसी तरीके से करते हैं ताकि अपने दिमाग में अलग अलग चीजें नहीं भरनी पड़े, क्योंकि अपने को बहुत सारे टॉपिक पढ़ने, अगर हर टॉपिक पर अगर तरीका चेंज करते जाओ हर क्वेश्चन पे तो उसमें अपने को दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करोगे, वही मानना उसी से दर से ही मानना है, बस लिखोगे, देखो सबसे पहले क्या लिखोगे कि प्रथम वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए और तीसरे वर्ष के लिए, प्रथम वर्ष के लिए ब्याज दर क्या है 5%, 5% को जब मैं बट्टा की फॉर्म में लिखूंगा दोस्तों तो कितना आएगा 1/20, दूसरे वर्ष के लिए कितनी 4%, 4% को बट्टा की फॉर्म में लिखूंगा दोस्तों आएगा 1/25, ठीक है, तीसरे वर्ष के लिए जब मैं बट्टा की फॉर्म में लिखूंगा दर को आएगा दोस्तों 3/100, नहीं कैंसिल आउट करना, कोई दिक्कत नहीं, जैसे वैसे ही रख लो। अब क्या करना है आपको कि जो आपके हर होती है उसका गुणा ही आपको क्या मानना है, मूलधन मानना है, मेरा मूलधन क्या हो जाएगा 20 × 25 × 100, ये मूलधन हो जाएगा। और अब वही काम कर दो वापस, अपन जो करते हैं शुरू से ट्री डायग्राम लगाओगे, पहले साल के लिए क्या अप्लाई करोगे इस पर 1/20, तो कितना आएगा ये अपना 20 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमें 2500 रुपए, ठीक है। दूसरे साल के लिए इधर कितने अप्लाई करोगे 1/25, देखिए आपको लिखने पे एक दो बार जब प्रैक्टिस होगी कितना इजी हो रहा है अपना, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा 20 × 2000 नहीं आ जाएगा, और ये जो दर है क्या यहां पर भी अप्लाई होगी 1/25, तो देखो 25 से 25 तो ये क्या आ जाएगा यहां पर 100। तीसरे वर्ष के लिए जब मैंने कहा इस पे इधर अप्लाई करोगे कितना 3/100, 100 कैंसिल हो जाएगा और ये अपना होगा 25 की 75, 75 × 2 150 और ये 0, 1500 रुपए। इस पर लगाओगे क्या 3/10, सॉरी 100, इस पर लगाओगे क्या 3/100 और इस पर भी लगाओगे क्या 3/100, इस पर 3/100 लगाओगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 आ जाएगा 60, जब इस पर लगाओगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा 25 × 3 = 75 और जब इस पर 3/100 लगाओगे 100 कैंसिल, बस हो गया।
कितना दिया था अपने चक्रवर्ती ब्याज, किस समय दिया था 12,476 रुपए, अपन ने जो माना उसके हिसाब से चक्रवर्ती ब्याज निकालो कितना आएगा 2500, 2000 और 1500, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 4500 प्लस 1500 6000 रुपए, 6100 और 6060 और 75, तो ये जाएंगे आपके 6235 और ये जाएगा 6238। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अपने हिसाब से जो चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना है 6238। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने गुणों पर बैठा है ये, कि बोला कि साहब ये क्वेश्चन के हिसाब से कितना है ये 12,476 है, यानी कि कितने गुणों पर है, दो गुणों पर है। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका मूलधन निकलेगा वो भी कितने गुणों पर बैठेगा दोस्तों, दो गुणों पर जाके बैठेगा, दो गुणों पर बैठेगा, देखो 25 2 50, तो ये आ जाएगा आपका 20 × 50 × 100 ये अपने 4 0 5 2 10, यानी कि अपना कितना जाएगा दोस्तों 1,00,000। तो आपको उसी तरीके से चलना है, कोई अलग से इश्यू या कोई अलग से तरीका दिमाग में नहीं लगाना है। अब देखो मैं इसका आपको दूसरा तरीका बताता हूं, जो अपन इफेक्टिव रेट वाला बताया था वो क्वेश्चन अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो उस तरीके से आप क्वेश्चन ओरली कर सकते हो। लेकिन दोस्तों देखो, सबसे पहले अपना ये है कि अपने जो पटवारी या राजस्थान पुलिस ये जो पेपर होते हैं इनमें अपने को टाइम रहता है, ये अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आते, वो तरीका वहां ज्यादा अप्लाई किया जाता है, जैसे एसएससी वगैरह में जहां पर अपने को एक घंटे के अंदर यानी कि 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 25 मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, 25 जीके के और 25 इंग्लिश के। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होते हैं, वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, टाइम तो पूरा अपना 60 मिनट, अगर एक क्वेश्चन को आप 1 मिनट देते हो तो भी 50 मिनट पूरे हो जाते हैं, तो वहां पर वो तरीका मैं आपको एक बार डिस्कस कर रहा हूं, तो आप पहले एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर वो मैं तरीका इसी क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेता हूं, वो अच्छा लगे आपको तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट तरीका इसका क्या है कि अपने जो 3 साल के दिए हुए, प्रथम वर्ष का 5 वर्ष 4% और 3% ये दिए हुए, आप क्या करो दोस्तों कि सबसे पहले इसकी प्रभावी दर निकाल लीजिए। अगर प्रभावी दर को मैं इस पर अप्लाई करता हूं, इस पर मूलधन पर, तो 3 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना लगेगा, तो आप चक्रवर्ती ब्याज यानी सीआई की प्रभावी दर निकालिए। प्रभावी दर निकालने के लिए मैंने आपको कहा था कि क्या करोगे, सबसे पहले और दूसरे साल के लिए निकालोगे, आप क्या करोगे 5 + 4 प्लस का 5 × 4 / 100, तो 5 × 4 = 9 और ये अपना आता है 5 × 20, 0 से 0 कैंसिल, ये आएगा 9.2। ठीक है दोस्तों, तो अपने पहले साल के लिए कितनी आएगी 9.5 × 20 / 100 तो ये कितना आएगा दोस्तों अपना 0.2, ठीक है 9.2%, ये आएगा किसके लिए, पहले साल के लिए। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि नेक्स्ट ईयर के लिए अपने को भाई जो ये तो आगे 2 साल की, अब अपने तीसरे साल की, तो अपन क्या करेंगे, अब दोनों क्या करेंगे, अपन तीसरे साल को अप्लाई करेंगे, तो तीसरे साल की अप्लाई करेंगे, देखो 9.2 + 3 + 9.2 × 3 / 100, 9.2 × 3 तो कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 9 × 3 = 12, 12.2 और ये अपना हो जाएगा 3 × 2 = 6 और 9 × 3 = 27, तो 1 पॉइंट तो ये और 2 जीरो वाला जाएगा तो 0.276, 0.276 को इसमें ऐड करोगे तो आप इफेक्टिव दर आएगी अपनी 12.476%। ठीक है, अब इस अगर दर को आप किस पर अप्लाई करोगे, मूलधन पर अप्लाई करोगे, तो जैसे मैं लिखूंगा मूलधन इंटू 12.476 / 100, तो ये बराबर आना चाहिए किसके, 12,476। ठीक है दोस्तों, 3 पॉइंट से ये और नीचे जाएंगे 3 जीरो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अपना मूलधन कितना आ जाएगा, अपना मूलधन आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, तो 1,00,000, तो वही आंसर है। ये जो ट्रिक है वो सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको उससे पहले क्या होना चाहिए कि आपको थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होगा आपको ट्री डायग्राम से अगर दिमाग में बैठ रहा है तो वही चीज, ये सारी की सारी चीजें जो अपन वहां भी अप्लाई कर सकते, जहां पर अपन ने बोला 5% के लिए 3 वर्ष का, तो 5 + 5 + 5 + 5 / 20 = 100। क्वेश्चन आपको पूछता है कि 210 रुपए की राशि है कर्ज पर ली गई है जिसे 2 बराबर किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 10% चक्रवर्ती दर हो तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन आपने क्या करना है, सीधी ट्रिक बता रहा हूं आपको कि दर
को पकड़ना है, दर को पकड़ोगे 10 परसेंट को बटा मिलोगे 1/10। इसमें क्या होगा कि अगर मान लो कि आपकी जो मूलधन है यानी कि प्रिंसिपल है, और यहां पर आपको क्या लिखना है किस्त, प्रिंसिपल और किस्त, इसका मतलब 10 परसेंट का मतलब अगर प्रिंसिपल 10 होता, प्रिंसिपल 10 होता तो किस्त कितनी देनी पड़ती है, एक साल पहले साल के लिए होगा, क्यों, क्योंकि अपने पता 10 परसेंट का मतलब क्या, 10 रुपए पर कितना ब्याज है, 1 रुपए, ठीक है। तो अगर मान लो कि ये 10 का स्क्वायर यानी 100 होता तो ये कितना होता 121, इसका स्क्वायर करा और इसका स्क्वायर कर दिया। अब देखो ट्यूशन क्या कह रहा है कि कर्ज पर किसी बराबर किस्त में चुकाना है, बराबर किस्त में चुकाना, किस बराबर पड़ने थी, यहां कितने से गुणा करना पड़ेगा 11 से, इसका मतलब ये भी कितने से गुणा हो जाएगा 11 से, ये 11 से गुणा होगा तो मूलधन आपका कितना बनेगा 110 ये और ये 100 ये तो 210 रुपए, और दोनों किस्तें बराबर बराबर कितनी हुई अपनी 121 रुपए की और 121 रुपए की। अब क्वेश्चन में अपने को मूलधन कितना दिया हुआ है 210 रुपए की राशि, यानी कि 210 तो कितने गुणा पर, एक गुणा पर, यानी कि दोनों किस्तें भी कितने कितने गुणा पर हो जाएगी, एक एक गुणा पर हो जाएगी, 121 रुपए 121 रुपए, यानी कि अपने दोनों किस्तों की राशि क्या हो जाएगी दोस्तों 121 रुपए। आप करके देख सकते हो कि 210 रुपए में क्या लोगे, पहले वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज लोगे, दो बराबर किस्तों पर चुकाना होगा, यदि ब्याज से 10% 210 पे क्या निकालोगे आप 10% निकालोगे, फिर उसमें से क्या कर दोगे आप कि जैसे अपने जैसे कैसे हो जाएगा अपना कि जैसे 210 रुपए थे, ठीक है, 210 रुपए आपने क्या लगाया 210 रुपए पर आपने 10% अप्लाई किया 1/10, यानी कि इसकी जो पहले वर्ष का जो ब्याज हुआ कितना हुआ 21 रुपए, यानी कि पहले वर्ष के बाद कुल राशि कितनी होगी, पहले वर्ष के बाद कुल राशि होगी 210 रुपए प्लस 21 रुपए, यानी कि अपनी राशि होगी कितनी 231 रुपए। अब अपन ने कहा पहले किस्त से चुका दी कितनी 121 रुपए, जब 121 रुपए इसमें से जमा हो जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे दोस्तों, आपके पास बचेंगे इसमें 110 रुपए, ठीक है, 110 रुपए जो वापस आप 1/10 अप्लाई करोगे इसका मतलब कितना रुपए लगेगा 11 रुपए ब्याज लगेगा, तो 110 और 11 121 रुपए, यानी दूसरे साल में 121 रुपए जमा कराएगा तो क्या हो जाएगा इसके पूरा पूरा जो है ब्याज क्या हो जाएगा, या पूरा जो उसका कर्ज है वो क्या हो जाएगा चुकता हो जाएगा। देखिए दोनों किस्त कितनी आ रही है 121 121, ये अपन इसको सीधा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की अपन और प्रैक्टिस करते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। देखिए दोस्तों वैसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 3 साल के लिए इस बार, कि एक व्यक्ति ने 25,220 रुपए का धन उधार लिया और वादा किया कि वह 5% की दर से ब्याज देगा तथा 3 समान किस्तों में कर्ज चुका देगा, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करो। देखो दोस्तों अपने क्वेश्चन लिखना है लोन और यह अपनी क्या आएगी किस्त, ठीक है, लोन अपना कितना है तो लोन यहां पर, फिर मैंने कहा आपको कि दर को पकड़ना है, दर कितनी है 5%, 5% में जब बटा की फॉर्म लिखोगे तो 1/20, मैंने कहा जब यहां पर 20 आएगा तो यहां पर कितना आएगा 21, ठीक है, जब दूसरे साल के लिए बात करेगा यहां पर दूसरे साल के लिए कितना आएगा दोस्तों 20 का स्क्वायर 400 रुपए, तो यह कितना जाएगा 441 रुपए। फिर मैंने आपको कहा कि जब तीसरे साल के लिए बात करेगा, जब तीसरे साल के लिए अपने को बात करेगा तो तीसरे साल के लिए क्या बात करेगा, इसका क्यूब आएगा, क्यूब आएगा कितना जाएगा तीसरे साल के लिए अपना जाएगा, ये अपना जाएगा 8,002 2 4 2 8, ठीक है, और फिर यहां पर 8,000 आ जाएगा, यहां कितना आ जाएगा, यहां जाएगा 9,261 रुपए। कैसे कैसे आएगा 421 को फिर से किसके लिए किससे गुणा करोगे 21 से गुणा करोगे, ठीक है, और यहां किसके से गुणा करोगे, इधर भी कितने हो जाएगा 21 से गुणा हो जाएगा, तो ये 8,000 होगा, ये 21 से गुणा होगा 21 42 21 84, तो ये 8,400, ठीक है। अब इसको बराबर करना है किसको, इसको 21 को फिर से किससे गुणा करेगा, ये 21 अपने होगा किससे 21 से और 21 से, ठीक है, दो बार 21 होगा, दो बार 21 होगा 9,261, समान किस्त होगी, और इधर ये 8,400, और जब आपको इधर 21 से अपने को गुणा करेगा तो ये आएगा अपने को, ये आएगा 21 into 21 441 441 into 20, तो 0288, तो ये आएगा 8,820 रुपए। जब आप इसको ऐड करोगे तो 8 8 8 8 3 24 8 3 24 और 8 4 12, यानी 25,220 रुपए ना, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, अपने जब इसको जोड़ोगे तो कितना चाहिए 25,220 रुपए, कितने गुणा पर, इतने ही गुणा पर बैठा है, गुणा एक पर ही, तो सारी सारी किस्तें भी क्या होगी गुणा एक, तो अपनी किस्तें भी कितने 9,261, तो 3 समान किस्तें कितनी आ जाएगी 9,261। तो ध्यान आपको यही रखना है ऐसे क्वेश्चन के अंदर कि जब भी अपने को समान किस्त चुकाने की बात करेगा, जब भी समान किस्त चुकाने की बात करेगा तो अपने को क्या करना है दोस्तों कि सबसे पहले दर को लेना है, दर कितनी आएगी अपनी 1/20, ठीक है, फिर दर पहले साल के लिए 20 और उस पर जो किस्त है वो कितनी बन जाएगी, किस की बन जाएगी, तो पूरा पूरा चुक जाएगा, दूसरे साल के लिए उसका स्क्वायर कर दोगे, तीसरे साल के लिए उसका क्या कर दोगे क्यूब कर दोगे, फिर इधर वाली राशि को इक्वल करोगे क्योंकि किस्त समान है, तो किस्तों को समान करोगे, किस्त समान करोगे, इधर जो भी राशि आएगी वो इसके कितने गुणा में वो देखनी है,
जितने गुणों में उतने क्या कर देनी, प्रत्येक किस्त को उतने ही गुणा पर कर देनी है। और अगर ये सीधा एक गुणा पर है तो प्रत्येक किस्त उतने ही गुणा पर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना जो चक्रवर्ती ब्याज का पोर्शन है इस वजह ये जो लास्ट के टाइप के दो क्वेश्चन करवाए मैंने किस्त वाले क्वेश्चन, ये अपने ज्यादातर इसमें पूछता नहीं है, और अपन ऐसे क्वेश्चन साधारण ब्याज में एक बार और कर लें। ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बाकी अपन 60 क्वेश्चन इसके अंदर कर चुके हैं दोस्तों, काफी जो चीजें थी काफी टाइप के जो क्वेश्चन थे अपन ने इसमें कवर कर लिए। ठीक है, उसके अलावा भी आप जो पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें आपको कोई दिक्कत लगे तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज का अगर ये पार्ट है जो अपन ने 8 पार्ट निकाले इसके, अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि आगे जो भी अपडेट आता रहे वो आपको तुरंत से मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो अपन चक्रवृद्धि ब्याज आज अपन कंप्लीट करते, कल अब मैं नया टॉपिक लेके आऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए गुड बाय एंड थैंक यू दोस्तों।